तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे अपने Instagram के लास्ट सीन को हाइड कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप लोग भी Instagram यूज़र हैं और दोस्तों आप लोग अपने Instagram के लास्ट सीन को हाइड करना चाहते हैं तो दोस्तों आप एकदम परफेक्ट वीडियो, एकदम सही वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक और मैं आपको इस वीडियो में बहुत जल्द आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे सेटिंग के मदद से अपने Instagram के लास्ट सीन को हाइड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो है Instagram को यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपको चेक करना है कि जैसे कि कौन ऑनलाइन है, कौन ऑफलाइन है या फिर लास्ट सीन क्या है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर मैसेज का एक ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं जो भी आप चैट मैसेज किए हैं वो इधर नीचे दिखा रहा है और जो भी ऑनलाइन है यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर का दिखा रहा है। जैसा कि देखिए यहाँ पर एक सोनिया नाम की आईडी जो यहाँ पर ऑनलाइन है, इसको जैसे ओपन करेंगे देखिए यहाँ पर एक्टिवेट नाउ दिखा रहा है। बट दोस्तों जो सेटिंग मैं बताने वाला हूँ, उस सेटिंग को अगर आप लोग ऑन कर देते हैं तो आप जब भी ऑनलाइन आएंगे आपके फ्रेंड में कभी भी इस टाइप से ग्रीन जो है नहीं शो करेगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, मान लीजिए किसी को आपने चैट किया, वो बंदा ऑनलाइन आके जा चुका है, तो उसका लास्ट सीन देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है एक्टिवेटेड जो है एक्टिवेट एक घंटा पहले, यानी एक घंटा पहले जो है ये एक्टिवेट था आईडी। दोस्तों आपका ये भी हाइड हो जाएगा, कोई जान भी नहीं पाएगा कि आप ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन हैं और आप ऑनलाइन कब आए थे, ये भी कोई नहीं जान पाएगा अगर आप लोग सेटिंग कर लेते हैं जो मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों कैसे सेटिंग करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए साइड में जो आपका यहाँ पर आइकन दिख रहा है प्रोफाइल वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। साइड में देखिए आपको यहाँ पे तीन लाइन देखने के लिए मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपको यहाँ पर जो है पहला दिख रहा है सेटिंग एंड प्राइवेसी, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको इसको कुछ इस तरीके से स्लाइड कर लेना है। पूरा स्लाइड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मैसेज एंड स्टोरी रिप्लाई का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो सिंपली दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर शो एक्टिविटी स्टेटस का एक ऑप्शन जो दिख रहा है, सिंपली अब आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर यह भी लिखा है ऊपर, हु कैन सी दैट यू आर ऑनलाइन, तो यहाँ पर आपको शो एक्टिविटी स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका एक्टिविटी स्टेटस जो है एक्टिवेट है, इसको आपको ऑफ कर लेना होगा। ऑफ करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑफ हो जाएगा। अब दोस्तों आप जब भी ऑनलाइन आएंगे Instagram पर तो यहाँ पर आपको जो है कोई भी नहीं जान पाएगा कि आप ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन हैं और आपका लास्ट सीन भी नहीं दिखाने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, उनके लिए भी ये यूज़फुल हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस टाइप का वीडियो लाता रहता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहेगा। तब दोस्तों चलता हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ, बहुत जल्द आपके साथ आता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।